सीरियसली भाई, ये बंदे ने कल स्टोरी डाली थी कि मुझे एनी टाइम फिटनेस वालों से 20 लाख मिलने वाला है और 20 लाख जब मिल गया मैं 10 लाख का गिव अवे कर दूंगा। मतलब इसने यहां से तो ये समझ रहा है कि इसने कोई केस किया रहेगा उनके ऊपर कि एंड ऑफ द डे फिर इसको 20 लाख मिलेंगे, तो ये सोच रहा 10 मैं आपको दे दूंगा, 10 अपनी जेब में रखूंगा, ऐश करूंगा। पहली बात तो ऐसा पैसा पचेगा नहीं, ओके। और दूसरी बात, मतलब किस बात पे केस कर रहे हैं कि उन्होंने तेरे को 2019-20-23 में जो ट्रेनिंग की थी वहां पे, अपने आप को तूने एक बेस अपना स्टैंड खड़ा किया था, इतनी मेहनत की थी उस वजह से इतने मेडल उस टाइम पे तूने जीते होंगे वहां पे ट्रेनिंग करके, इस वजह से केस कर रहे हैं या इस वजह से कर रहा है कि हाँ भाई तेरे को ये अभी थोड़े टाइम पहले उन्होंने जिम में घुसने नहीं दिया, या इस वजह से कर रहा है? किस वो रीजन भी जरूर बता देना कि किस वजह से उनके ऊपर केस कर रहा है। और कहते हैं ना कि ऊपर वाले की छड़ी में आवाज नहीं रहती, बट जब पड़ती है ना तो अच्छो अच्छो की बोलती बंद हो जाती है। तू ही कहता था ना कि ये कर्मा है, कर्मा पलट के आएगा, ये तेरे ऊपर भी आएगा। तो किसी के ऊपर ऐसा केस करके हराम की कमाई लेने की सोच भी मत, कि तू ये मत सोच कि हम भी 20 लाख ले लूंगा तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। अबे 20 का 40 कब देना पड़ेगा ना वो पता नहीं चलेगा। तो अपनी मेहनत से कमा के अगर तू किसी को 10 रुपए भी, अगर 10 रुपए भी किसी को दे देगा गिव अवे में, हम लोग सब लोग खुश हो जाएंगे, वाह यार हाँ भी इसने मेहनत से दिया है। बट अगर वो 20 लाख में से तू 10 लाख 20 भी दे देगा ना, किसी ने अप्रिशिएट नहीं करना है, क्योंकि अगले सोचेगा भाई तूने किसी का घर उजाड़ के तो दे रहा है, अपनी मेहनत से देगा तो पता चलेगा। और केस कर रहे है बंदा उनपे, किस बात पे? इसको जरा पूछ लेना कि हम भी उनके ऊपर अगर केस कर रहे तो किस बात पे। अरे जहां एक बार जिम में हम लोग ट्रेनिंग भी की हो ना, तो भी हर बार एक रिस्पेक्ट रहती है कि हाँ हम लोग बोलते हैं, अरे हाँ पहले मैं उसमें 100 की जिम थी, 100 फीस थी, वहां पे जाता था, फिर 500, फिर 1000, फिर 10000, ऐसा हम लोग हर एक को बताते हैं, हाँ भी हमने यहाँ यहाँ से स्टार्ट किया था। बट ये बंदा उनके ऊपर केस कर रहा है कि सीलिंग की हाइट इतनी होनी चाहिए थी, इतनी होनी चाहिए। तू आके वहां पे वर्कआउट करना है कि किसी को डिसरिस्पेक्ट करना है? वहां पे मेंबर्स के उन्होंने ऑलरेडी बोला कि हम भी मेंबर्स के साथ में इसका बिहेवियर अच्छा नहीं था और इवन स्टाफ के साथ में नहीं अच्छा था। अरे हर बंदे की जुबान है ना, ये जुबान इसमें हड्डी नहीं है, समझा? बट ये तगड़ो तगड़े के हड्ड तोड़ा देती है, ये सब। ये हमने बहुत प्यार से हमेशा किसी से बात करनी, चाहे अपने से छोटा है उसको भी रिस्पेक्ट दो, चाहे बड़ा है उसको भी रिस्पेक्ट दो। मेरी जिम में इतने छोटे बड़े सब आते, एक रिस्पेक्ट है कि हाँ भी एक जैसे बात मैं करूंगा उनके साथ में वैसा ही जवाब मुझे आएगा। कहते हैं ना खूह में जब हम लोग आवाज मारेंगे ना, जैसी आवाज मारेंगे वैसी ही आएगी। एक बार ट्राई करना, आसपास में खूह रहेगा ना उसमें आवाज मार के देखना, तेरे को पता चल जाएगा पलट के आवाज क्या आती है। सो ऐसी कमाई पचेगी नहीं, हो सके तो वो चीज जो है ना वो ड्रॉप कर, माइंड से निकाल दे। भगवान देने आएगा तो बहुत छप्पड़ फाड़ के देगा तेरे को, बट इतना कि मेहनत कर, किसी की लाते मत खींच, किसी को जिस हिसाब से तू बात करने की तेरी टोन है ना वो थोड़ी सी चेंज कर ले तो अच्छा रहेगा। तो आपको क्या लगता है, ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है या सच में सही सही बोल रहे हैं रजत दलाल के लिए हमारे सुपर सिंह भाई साहब? आप किसकी तरफ हो, सुपर सिंह की तरफ या रजत दलाल के? जो भी हो कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।